आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे, जिसका नाम है काना श्रृंगार पूनम। आप सबके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी ये है कि आज से हम अपने चैनल पर श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं की कथा की सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, और आप भी इस सीरीज़ में भाग लेकर लक्की विजेता बन सकते हैं। भाग लेने के लिए आपको श्री कृष्ण जी और राम जी के प्रिय नाम अपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, और जीतने वाले लक्की विजेता को मिलेगा एक उपहार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कृष्ण जी के उस लीला के बारे में है, जब श्री कृष्ण जी को अपने राम होने के एहसास के बारे में याद आती है। इस कथा की व्याख्या श्री सूरदास जी ने की थी। एक समय की बात है, जब माँ यशोदा बाल रूप श्री कृष्ण को सुला रही होती हैं, अपने प्यारे पुत्र को सुलाते हुए माँ यशोदा कहती हैं, पुत्र आज मैं तुम्हें भगवान श्री राम जी की एक बहुत प्रेम भरी कथा सुनाती हूँ। बहुत प्यारी कथा है। भगवान श्री राम का नाम सुनकर ही कृष्ण मन मन मुस्काते हैं। माँ यशोदा आगे कहती हैं, सुन सुत एक कथा प्यारी। श्री कृष्ण जी खुशी के मारे हुंकारे मरने लगते हैं। माँ यशोदा आगे कथा बताती हैं, दशरथ जी के चार पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र श्री राम जी थे। राम जी का विवाह श्रेष्ठ पत्नी सीता जी से हुआ था। भगवान श्री राम जी को पिताजी द्वारा वनवास दे दिया जाता है। पिता की आज्ञा का पालन कर भगवान श्री राम वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सीता देवी और छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी साथ में जाते हैं। भगवान श्री राम जंगल में रहने रहते हैं, तो वो वनवासी बन जाते हैं। बेटा, माँ कथा सुना रही होती हैं। इतने में श्री कृष्ण जी को नींद आने लगती है, और वे धीरे धीरे आंखें बंद कर लेते हैं। माँ कथा आगे बताते हुए कहती हैं, एक दिन सीता माँ स्वप्न में सोने का मृग देखती हैं। वह श्री राम जी को अगले दिन मृग लाने के लिए कहती हैं। भगवान श्री राम सोने के मृग को ढूंढते हुए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। बहुत समय हो जाने के बाद जब श्री राम जी वापस नहीं आते हैं, तब माँ सीता चिंता से व्याकुल हो जाती हैं और लक्ष्मण जी को राम जी को लाने के लिए कहती हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, माँ सीता, श्री राम बहुत बलवान हैं, आप कृपया उनकी चिंता ना करें, वे स्वयं ही वापस आ जाएंगे। परंतु माँ सीता के बार बार कहने पर लक्ष्मण जी भ्राता राम जी को देखने जंगल में चले जाते हैं। माँ सीता घर पर अकेली हो जाती हैं, तब वहाँ रावण आ जाता है। जब वह सीता जी को हरण करने लगता है, तब सीता जी चिल्लाती हैं, हे प्रभु राम, इस दुष्ट से मुझे बचाओ, हे प्रभु राम, रक्षा करो, मुझे बचाओ। श्री कृष्ण जी की आँख खुल जाती है और वह जोर से बोल उठते हैं, लक्ष्मण जाओ, मेरे बाण लेकर आओ, दुष्ट को अवश्य ही मारना होगा। इस तरह के वचन सुनकर श्री कृष्ण की माँ यशोदा आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तुम्हें क्या हुआ? माँ यशोदा कहती हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं ही राम हूँ। माँ कहते हैं, भगवान श्री राम तो त्रेता युग में हुए थे, तो तुम कैसे राम हो सकते हो? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ यशोदा डर जाती हैं और सोचती हैं कि अवश्य ही कृष्ण लला पर राम जी की लीला समा गई है। इतने में श्री कृष्ण जी फिर बोल उठते हैं, माँ मेरा यकीन करो, मैं ही राम हूँ, और ये जो बलराव भैया है ना, ये ही कौन है? माँ का माथा फिर ठनक जाता है। माँ कहती हैं, अवश्य ही इसके सिर पर कोई प्रेत का साया है। इतने में एक महिला और आ जाती हैं। वह पूछती हैं, माँ यशोदा आप क्यों परेशान हैं, बताइए क्या चिंता का कारण है? तब माँ यशोदा बताती हैं कि मैं कृष्ण को जब सुला रही थी, तो मैं इन्हें राम की लीला सुना रही थी।
इतने में सीता हरण की कथा आ जाती है। और जब रावण सीता का हरण करने वाला दृश्य मैं इन्हें सुना रही होती हूँ, तो कृष्ण कहते हैं, जाओ लक्ष्मण मेरे बाण लेकर आओ। और कहता है कि मैं ही राम हूँ और बलराव भैया लक्ष्मण हैं, मैं दुष्ट रावण को मार दूंगा, जाओ मेरे बाण लेकर आओ, लक्ष्मण जाओ दुष्ट को मैं आज मार दूंगा। तो इतनी बात सुनकर वे हंस पड़ती हैं। वे कहती हैं, अरे अवश्य ही इसने किसी नाटक को देख लिया होगा, या इन्होंने राम जी के नाटक को देख लिया होगा, या ये भी हो सकता है कि शायद यही राम हूँ, कहकर वह हंस पड़ती हैं। माँ यशोदा कहती हैं, अरे अब तुम तो मुझे मत डराओ। इतने में कृष्ण जी की आँख खुल जाती है और उन्हें एहसास होता है, अरे मैं ये क्या करने लगा था, अगर आज मैया को पता चल जाता कि मैं ही राम हूँ तो वह तो मुझे प्रभु समझ लेते। कृष्ण जी यशोदा माँ को कहते हैं, हाँ मैया, सीता जी का हरण हो गया, अब आगे की कथा सुनाओ। यशोदा माँ कहती हैं कि मैं फिर कभी कथा सुनाऊंगी, पहले जो कथा सुनाई है मैं तो उसी में से बाहर नहीं आ पा रही। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और नटखट अदा से माँ के सिर पर हाथ फेर देते हैं, जिससे माँ यशोदा सब कुछ भूल जाती हैं और सो जाती हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो ज़रूर बताइएगा आपको ये कथा कैसे लगी। और इस कहानी से हमें यही पता लगता है, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। मतलब श्री कृष्ण और राम प्रभु एक ही हैं, उन्हीं के ही रूप हैं, चाहे कृष्ण कहें चाहे राम। तो आप अपने सुझाव मुझे ज़रूर पहुँचाइएगा कमेंट सेक्शन में, श्री राम और कृष्ण जी के सुंदर नाम ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।